नमस्कार दोस्तों, सुमन आर्य चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड एनसीएल में पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेकर आया हूँ। दोस्तों आज देखेंगे हम HEMM ऑपरेटर के वेरियस पोर्ट्स, जैसे कि डोजर, ट्रैक लाइन, ग्रेडर ऑपरेटर, डंपर ऑपरेटर, सोविल ऑपरेटर, पेलोड ऑपरेटर, क्रेन ऑपरेटर, ड्रिल ऑपरेटर, ये सभी पोस्ट HEMM कॉमन पेपर में आते हैं। तो इसका पहले वाला वीडियो में मैंने 50 क्वेश्चन कवर किया था और 50 क्वेश्चन इस वीडियो में कवर करेंगे। तो यदि आपने वो पहला वाला पार्ट देखा नहीं है तो आपको आई बटन पे लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से उस वीडियो को पहले देख लें। उसके बाद देखने के बाद दोस्तों इस वीडियो को देखें ताकि आपको और भी इजीली समझ में आए और आपको पता चले कि कैसा पैटर्न आता है, पैटर्न ऑफ क्वेश्चन कैसा आता है एग्ज़ाम में। चलिए बिना देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपको सीधे 50 नंबर क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ। दोस्तों आप इस वीडियो को ज़रा सा भी स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। ये आपको बहुत सारा जानकारी देगी और अंत में मैं आपको बताऊंगा कि ये क्वेश्चन पेपर का PDF आपको कैसे डाउनलोड करना है, वो भी आपको NCL के ऑफिशियल वेबसाइट में लेके चलेंगे और वहाँ पे आपको बताएंगे कि कैसे इसको डाउनलोड किया जाता है। वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिले। अलोड टू नो, अलोड टू डिस्कस। चलिए देखते हैं 51 नंबर क्वेश्चन। इफ 100 किड्स किल 100 माइस इन 100 डेज, देन 4 किड वुड किल 4 माइस इन हाउ मेनी डेज। यदि 100 बिल्लियाँ 100 दिनों में 100 चूहियाँ को मारती है तो 4 चूहियों को कितने दिन में मारेगी। ऑप्शन 1 डेज, 4 डेज, 40 डेज, 100 डेज। तो इसका राइट आंसर है 100 डेज, ऑप्शन डी। दोस्तों मैं आपको इसका सॉल्यूशन अगले वाला वीडियो में मैं आपको करके दिखाऊंगा, क्योंकि यदि मैं सॉल्यूशन करने बैठूंगा तो यहाँ यह वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसी कारण मैं आपसे प्रॉमिस किया हूँ कि अगले वाले पार्ट में आपको सॉल्यूशन इसका मिल जाएगा। चलिए देखते हैं 52 नंबर क्वेश्चन। अ फार्मर बिल्ड अ फेंस अराउंड हिज स्क्वायर प्लॉट, ही यूज्ड 27 फेंस पोल्स ऑन ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर, हाउ मैनी पोल्स डिड ही नीड ऑल टूगेदर। एक किसान ने अपने वर्गाकार खेत के चारों तरफ बाड़ लगाई है। उसने इसके लिए वर्गाकार खेत की हर दिशा में 27 खंभे लगाए हैं। पूरे खेत में किसान ने कुल कितने खंभे लगाए हैं। ऑप्शन 100, 104, 108, ऑप्शन डी नन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 104। चलिए देखते हैं 53 नंबर क्वेश्चन। टुडे इज वरुण्स बर्थडे, वन ईयर फ्रॉम टुडे ही विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज ही वाज 12 इयर्स अगो, हाउ ओल्ड इज वरुण टुडे। आज वरुण का जन्मदिन है, आज के दिन से एक साल पहले उसकी उम्र आज से 12 साल पहले की उम्र से दोगुनी थी, तो वर्तमान में वरुण की उम्र कितनी है। ऑप्शन 20 इयर्स, 22 इयर्स, 25 इयर्स, 27 इयर्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 25 इयर्स। 54 नंबर क्वेश्चन। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ डक्स दैट कुड स्विम इन द फॉर्मेशन, टू डक्स इन फ्रंट ऑफ अ डक, टू डक बिहाइंड अ डक एंड अ डक बिटवीन टू डक्स। एक बतख के आगे दो बतख और बतख के पीछे दो बतख एवं एक बतख दो बतख के पीछे के विनाश में तैरने के लिए न्यूनतम कुल कितनी बतख चाहिए। ऑप्शन 3, 5, 7, 9। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 3। 55 नंबर क्वेश्चन। द नंबर ऑफ बॉयज इन अ क्लास इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ गर्ल्स, विच वन ऑफ द फ्लोइंग नंबर्स कैनॉट रिप्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रेन इन द क्लास। किसी कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से
तीन गुनी है, निम्न में से कौन सा संख्या कक्षा में विद्यार्थी की कुल संख्या नहीं हो सकती? ऑप्शन 48, 44, 42, 40। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 42। चलिए देखते हैं 56 नंबर क्वेश्चन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडवाइजर इन हिंदी? एडवाइजर के हिंदी में अर्थ क्या है? ऑप्शन सहायक, नियोजक, प्रयोजक, सलाहकार। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी सलाहकार। व्हाट इज द मीनिंग 57 नंबर क्वेश्चन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडिक्वेट इन हिंदी? एडिक्वेट का हिंदी में अर्थ क्या होता है? ऑप्शन सही, निर्भय, उचित, गतिविधि। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी उचित। 58 नंबर क्वेश्चन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सेप्टेड इन हिंदी? एक्सेप्टेड का हिंदी में अर्थ क्या है? ऑप्शन स्वीकार, अस्वीकार, मंजूरी, विरोध। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए स्वीकार। 59 नंबर क्वेश्चन। गोविंद बल्लभ पंत सागर डैम इज कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर? गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध किस नदी पर बना है? ऑप्शन रिहांद, सोन, बिजुल, अदरी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए रिहांद नदी पर बना है। फाइंड द सुटेबल नंबर एट ऑफ फ्लोइंग सीरीज 2, 4, 10, 28, 244। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 82। 61 नंबर क्वेश्चन। व्हाट इज फाइंड द सुटेबल नंबर एट ऑफ द फ्लोइंग सीरीज ऑफ? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी 16। 62 नंबर क्वेश्चन। फाइंड द सुटेबल नंबर्स एट ऑफ फ्लोइंग सीरीज ए जेड बी वाई सी एक्स क्वेश्चन मार्क ई वी। ऑप्शन बी डब्ल्यू सी डब्ल्यू डी डब्ल्यू डी यू। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी डी डब्ल्यू। 63 नंबर क्वेश्चन। विच स्टेट विल बी होस्टिंग द 36th एडिशन ऑफ नेशनल गेम्स ऑफ इंडिया 2018? किस भारतीय राज्य में भारत के 36वें राष्ट्रीय खेल 2018 का आयोजन किया जा रहा है? उड़ीसा, सिक्किम, गोवा, चंडीगढ़। तो इसका राइट आंसर है गोवा। विच ऑफ द फ्लोइंग कंट्री शेयर मिनिमम लेंथ ऑफ लैंड बाउंड्री विथ इंडिया? निम्न में से भारत अपने किस पड़ोसी देश के साथ सबसे छोटी भूमिय सीमा साझा करती है? ऑप्शन भूटान, अफगानिस्तान, म्यांमार, पाकिस्तान। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अफगानिस्तान। 65 नंबर क्वेश्चन। ब्रह्मोस इज अ जॉइंट वेंचर ऑफ इंडिया एंड डैश। ब्रह्मोस भारत का निम्न में से किस देश के साथ एक संयुक्त उद्यम है? ऑप्शन स्वीडन, फ्रांस, रसिया, स्विट्जरलैंड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी रसिया। 66 नंबर क्वेश्चन। भोपाल गैस ट्रेजेडी वाज कॉज्ड ड्यू टू द लीक ऑफ द फ्लोइंग? भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? ऑप्शन मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड, यूनियन कार्बाइड। ऑप्शन डी बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मिथाइल आइसोसाइनाइड। 67 नंबर क्वेश्चन। द प्रीवियस कैपिटल ऑफ गुजरात स्टेट वाज? गुजरात राज्य की पूर्व राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन अहमदाबाद, गांधीनगर, वडोदरा, सिलवासा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अहमदाबाद। 68 नंबर क्वेश्चन। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात द स्टेट ऑफ यूनिटी इज सिचुएटेड? गुजरात के निम्न में से किस जिले में स्टेच्यू ऑफ यूनिटी स्थित है? ऑप्शन केवेदिया, नर्मदा, ब्रहुच, नन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी नर्मदा डिस्ट्रिक्ट पर यह सिचुएटेड है। 69 नंबर क्वेश्चन। द रिचर स्केल मेजर व्हाट इज व्हाट इन रिस्पेक्ट ऑफ अर्थक्वेक? रिचर स्केल भूकंप के संबंध में निम्न में से क्या मापता है? इंटेंसिटी, मैग्नीट्यूड, बोथ ए एंड बी। ऑप्शन डी नन। तो इसका राइट आंसर है मैग्नीट्यूड को नापता है। 70 नंबर क्वेश्चन। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल विच वन ऑफ द फ्लोइंग
वॉज द कैपिटल ऑफ इंडिया जस्ट बिफोर दिल्ली. ब्रिटिश राज में दिल्ली से पूर्व भारत की राजधानी निम्न में से कौन थी? ऑप्शन पुंडुचेरी, कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास. तो इसका राइट आंसर है कलकत्ता, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. 71 नंबर क्वेश्चन, एज पर मोटर व्हीकल एक्ट द ग्रोस व्हीकल वेट फॉर LMB शुड नॉट एक्सीड बियॉन्ड. मोटरसाइकिल एक्ट के अनुसार लाइट मोटर व्हीकल श्रेणी में वाहन का सकल भार अधिकतम कितना होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 7500 kg. 72 नंबर क्वेश्चन, फॉर्म 20 ऑफ RTO राइट टू इंफॉर्मेशन इज यूटिलाइज फॉर विच ऑफ द फ्लोइंग पर्पस. RTO के फॉर्म 20 की उपयोगिता क्या है? ऑप्शन फॉर इंश्योरेंस ऑफ व्हीकल, फॉर सर्टिफिकेशन ऑफ कंट्रोल पोल्यूशन ऑफ व्हीकल, फॉर रीसेल एंड परचेस ऑफ व्हीकल, फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ व्हीकल. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ व्हीकल. 73 नंबर क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फ्लोइंग एक्टिविटीज आर नॉट परफॉर्म्ड बाय RTO. निम्न में से कौन सा RTO कार्यावर्ती RTO द्वारा नहीं होती है? ऑप्शन मोटर व्हीकल टैक्स कलेक्शन, बी मेंटेनेंस, मेंटेन डेटाबेस ऑफ मैन्युफैक्चर्ड व्हीकल्स, ऑप्शन सी मैकेनिकल इन्फेक्शन ऑफ एक्सीडेंटल व्हीकल, ऑप्शन डी इश्यू इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मेंटेन डेटाबेस ऑफ मैन्युफैक्चर्ड व्हीकल्स. 74 नंबर क्वेश्चन, इफ यू आर अप्रोचिंग एन इंटरसेक्शन एंड यू सी अ येलो ट्रैफिक लाइट यू मस्ट. यदि आप एक चौराहे की तरफ पहुंच रहे हैं और आप यातायात हेतु पीली बत्ती देखते हैं तो आप डैश. ऑप्शन स्लो डाउन एंड स्टॉप, बी क्रॉस द इंटरसेक्शन क्विकली, ऑप्शन सी प्रोसीड आफ्टर साउंडिंग योर हॉर्न, डी क्रॉस इंटरसेक्शन बिफोर लाइट टर्न्स रेड. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, स्लो डाउन एंड स्टॉप. चलिए देखते हैं 75 नंबर क्वेश्चन, इफ यू होल्ड अ मोटरसाइकिल लर्नर लाइसेंस यू. अगर आपके पास एक प्रिक्षुभ मोटरसाइकिल लाइसेंस है तो ऑप्शन कैन ओनली राइड विथ अ लाइसेंस्ड राइडर, कैन नॉट राइड ड्यूरिंग द रश आवर, आर नॉट अलाउड टू कैरी एनी पैसेंजर एक्सेप्ट ऑफ सर्टिफाइड इंस्ट्रक्टर, यू कैन नॉट ड्राइव अबव द स्पीड ऑफ 20 km/h. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कैन ओनली राइड विथ अ लाइसेंस्ड राइडर. चलिए देखते हैं 76 नंबर क्वेश्चन, द नंबर ऑफ पैसेंजर यू आर अलाउड टू कैरी इन अ प्राइवेट व्हीकल इज रिकॉर्डेड इन द. एक निजी वाहन में कितनी यात्रियों को बैठा सकते हैं यह डैश में लिखा होता है. ऑप्शन परमिट, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ऑप्शन सी टैक्स टोकन, ऑप्शन डी इंश्योरेंस सर्टिफिकेट. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में यह लिखा होता है कि आप कितना पैसेंजर को कैरी कर सकते हैं. चलिए देखते हैं 77 नंबर क्वेश्चन, ए ट्रैक्टर ड्राइवर मस्ट नॉट कैरी. एक ट्रैक्टर चालक को अपने साथ नहीं बैठाना चाहिए. ऑप्शन मोर देन 2 पैसेंजर, मोर देन 3 पैसेंजर, एनी पैसेंजर, ऑप्शन डी नन. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, एनी पैसेंजर. और 78 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों एक सिंबल दिया गया जिसमें आपको बताना है कि वो क्या डिनोट कर रही है. तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन में, यह पहले चौड़ा था और आगे जाके पतली हो गई है. तो इसका मतलब ऑप्शन है नैरो अंडरपास अहेड, नैरो ब्रिज अहेड, नैरो रोड अहेड, ऑप्शन डी ऑल. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, नैरो रोड अहेड. पहले चौड़ी थी, अब आगे जाके पतली हो गई, तो रोड पतली हो रही, तो नैरो रोड अहेड, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. 79 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इमिशन स्टैंडर्ड हैज़ बीन प्लान टू इंट्रोड्यूस्ड इन पेन इंडिया बाय 2020.
उत्सर्जन के नियम में से उत्सर्जन से संबंधित कौन से मानक पूरे भारत में 2020 में लागू करने की योजना है? ऑप्शन BSV, BS4, BS3, BS6। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, BS6 लागू करने का योजना है। 80 नंबर क्वेश्चन में आपको सिंबल दिया गया है रोड साइन है, जिसमें रोड साइन आपको बताना है क्या चीज़ डिनोट करता है, जिसमें आपका ऑप्शन है क्रॉस रोड अहेड, क्रॉस रोड इज क्लोज्ड, डायरेक्शन इज रॉन्ग, ऑप्शन डी नन। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं सिंबल में दिखाया गया है कि एक क्रॉस चिन्ह का मार्क है, तो इससे आप क्या समझते हैं कि क्रॉस रोड अहेड आगे चौराहा है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, क्रॉस रोड अहेड। 81 नंबर क्वेश्चन, चिपको मूवमेंट इज रिलेटेड विद, चिपको आंदोलन किस से संबंधित है? ऑप्शन वाटर कंजर्वेशन, फिश कंजर्वेशन, एटमॉस्फेयर कंजर्वेशन, ऑप्शन डी अगेंस्ट द डिफोरेस्टेशन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अगेंस्ट डिफोरेस्टेशन। दोस्तों चिपको मूवमेंट वन के कटाव के विरुद्ध में एक मूवमेंट चलाया गया था जिसे चिपको मूवमेंट भी कहते हैं। 82 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग गैस इज प्रिंसिपल ग्रीन गैस, ग्रीन हाउस गैस, निम्न में से कौन से गैस प्रमुख ग्रीन हाउस गैस हैं? ऑप्शन CO2, CO, CH4, O2। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, CO2। दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड के चलते से ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट होता है। 83 नंबर क्वेश्चन, भारत स्टेज इमिशन स्टैंडर्ड वेयर इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन विच ऑफ द फ्लोइंग ईयर? 1999, 2000, 2002, 2003। भारत स्टेज इमिशन स्टैंडर्ड किस वर्ष लागू किए गए थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 2000। 84 नंबर क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फ्लोइंग ईयर फर्स्ट इमिशन नॉर्म्स फॉर डीजल व्हीकल्स वेर इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया? भारत में किस वर्ष डीजल वाहनों से संबंधित प्रथम उत्सर्जन के मानक लागू किए गए थे? ऑप्शन 1993, 1997, 1991 और ऑप्शन डी 1992। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1992। 85 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग हैज नॉट इंक्लूडेड इन भारत स्टेज इमिशन स्टैंडर्ड? निम्न में से कौन भारत स्टेज इमिशन स्टैंडर्ड का हिस्सा नहीं है? इसका ऑप्शन है CO2, CO, HC, ऑल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। 86 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग हैज लीस्ट परसेंटेज इन एनवायरनमेंट ऑफ अर्थ? पृथ्वी के वायुमंडल में निम्न में से किसकी प्रतिशतता सबसे कम है? ऑप्शन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कार्बन डाइऑक्साइड। 87 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द लोवेस्ट लेयर ऑफ अर्थ एटमोसफियर एनवायरनमेंट? पृथ्वी की वायुमंडल में सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? ऑप्शन स्ट्रेटोस्फीयर, मीजोस्फीयर, एक्सोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर। तो इसका राइट आंसर है 87 का डी, ट्रोपोस्फीयर। ट्रोपोस्फीयर लेयर अर्थ का सबसे निचला लेयर है, अर्थ के एनवायरनमेंट का सबसे निचला लेयर ट्रोपोस्फीयर है, उसके बाद स्ट्रेटोस्फीयर है, उसके बाद मीजोस है, उसके बाद एक्सोस है। तो 88 नंबर क्वेश्चन, द नेम ऑफ गैलेक्सी टू विच अर्थ बिलोंग? पृथ्वी जिस आकाश गंगा से संबंध रखती है उसकी उसका निम्न में से क्या नाम है? ऑप्शन मिल्की वे, स्पार्की वे, गामा रे वेज, इनो रेज, इनो वेज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मिल्की वेज। दोस्तों ये क्वेश्चन हमने बचपन में ही पढ़ा था। 90 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज रिगार्डेड एज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डेज? निम्न में से कौन सी तिथि विश्व पर्यावरण
दिवस के रूप में मनाई जाती है। ऑप्शन 6 जून, 10 जून, 5 जून, 16 जून। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 6 जून को हर साल विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। सॉरी दोस्तों, 5 जून को हर साल पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 91 नंबर क्वेश्चन, द मेजर कंट्रीब्यूटर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इज, कार्बन मोनोऑक्साइड का मुख्य कारक निम्न में से क्या है? ऑप्शन मोटर व्हीकल, इंडस्ट्रियल प्रोसेस, स्टेशनरी फ्यूल कंबशन, नन ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मोटर व्हीकल। मोटर व्हीकल से दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ज़्यादा अमाउंट में रिलीज होती है। 92 नंबर क्वेश्चन, ओजोन इज फाउंड इन विच लेयर ऑफ एटमोसफियर, ओजोन वायुमंडल के किस परत में पाए जाते हैं? तो इसका ऑप्शन है मेसोस्फीयर, आयनोस्फीयर, सी स्ट्रेटोस्फीयर, ऑप्शन डी एक्सोस्फीयर। तो इसका राइट आंसर है स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन लेयर पाई जाती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ 92 नंबर क्वेश्चन। 93 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, द ताजमहल इज बीइंग अफेक्टेड बाय, ताजमहल निम्न में से किस से प्रभावित है? ऑप्शन नॉइज पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, डी नन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, एयर पोल्यूशन के कारण दोस्तों ताजमहल इफेक्ट प्रभावित हो रहा है और होता जाएगा आने वाले जनरेशन में, क्योंकि डे बाय डे एयर पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है। 94 नंबर क्वेश्चन, सी एन जी एक डैश है। ऑप्शन पोल्यूटेड फ्यूल, बी क्लीन फ्यूल, हार्मफुल फ्यूल, डी नन। तो इसका राइट आंसर है क्लीन फ्यूल, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 95 नंबर क्वेश्चन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन इज यूज्ड इन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन निम्न में से किसमें उपयोग होता है? ऑप्शन रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, परफ्यूम्स, डी और। तो इसका राइट आंसर है आपका रेफ्रिजरेटर में क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज होता है। तो इसका राइट आंसर, एयर कंडीशन में भी आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज होता है, परफ्यूम्स में भी होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी और। 96 नंबर क्वेश्चन, एयर पोल्यूशन कॉजेज, वायु प्रदूषण कारक है। ऑप्शन ग्लोबल वार्मिंग, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, सॉइल इरोजन, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। दोस्तों एयर पोल्यूशन के कारण हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, तो श्वसन संबंधित बीमारियों का यह कॉज करती है। 97 नंबर क्वेश्चन, व्हेन द रेल वाज स्टार्टेड इन इंडिया, भारत में सर्वप्रथम रेल किस वर्ष में चलाई गई थी? ऑप्शन 1852, 1853, 1854, 1855। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1853 को सबसे पहले सर्वप्रथम रेल भारत में चलाया गया था, 1853 में रेल चलाया गया था। 98 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोल इन द वर्ल्ड, संपूर्ण विश्व में निम्न में से कौन सा देश सबसे बड़ा कोयला उत्पादक है? तो ऑप्शन है आपका इंडिया, चाइना, यूएसए, रसिया। तो इसका राइट आंसर है चाइना, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 99 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इंडियन स्टेट हैज़ द हाईएस्ट कोल रिजर्व, निम्न में से किस भारत राज्य में सर्वाधिक कोल भंडार है? ऑप्शन झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार। तो इसका राइट आंसर है हमारा झारखंड, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, झारखंड इसका आंसर होगा, क्योंकि झारखंड में सबसे ज़्यादा कोल रिजर्वायर है, रिजर्व। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, पेंसिल इज मेड ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग कार्बन, पेंसिल बनाने में निम्न में से कौन सा कार्बन उपयोग किया जाता है? ऑप्शन लेड, चारकोल, ग्रेफाइट, डायमंड। तो इसका ऑप्शन राइट आंसर है ऑप्शन सी, ग्रेफाइट का यूज होता है पेंसिल बनाने में। दोस्तों ये था 100 क्वेश्चन। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों चलिए अब आपको ऑफिशियल वेबसाइट में इसका लेके चलते हैं एनसीएल के, जहाँ पे आपको ये क्वेश्चन डाउनलोड कर सकते हैं।
दोस्तों आप अपना गूगल में NCL लिख करके टाइप करें। टाइप करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे NCLCIL.in पे आपको क्लिक करना है। ये रहा सबसे ऊपर में, इस पर क्लिक करना है। जैसे कि मैंने इस पर क्लिक किया, अब ये पेज खुल रही है, तो आप बने रहें दोस्तों। ये खुल जाने के बाद आपको ये इस 3 डॉट पे क्लिक करना है। इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ पे आपको करियर पे ऑप्शन पे टिक करना है। इस ऑप्शन पे आपको टिक करना है और यहाँ पे आपको जाना है रिक्रूट, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, तो आपको सबसे नीचे आना है और सेकंड पेज पे आपको जाना है। अचीव जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आप सेकंड पेज में जाइएगा। और धीरे धीरे आप स्क्रॉल कीजिएगा। स्क्रॉल करने के बाद दोस्तों आपको नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको मिलेगा क्वेश्चन बुकलेट एंड आंसर शीट फॉर सिलेक्शन टू डिफरेंट पोस्ट। तो इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपका जो देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे इस पर क्लिक किया, तो यहाँ पे ड्रैग लाइन ऑपरेटर, स्टाफ HEMM ट्रेनिंग ऑपरेटर, कॉमन पेपर, तो इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपका डाउनलोड हो जाएगा। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह का वीडियो आपको आने वाला भविष्य में मिलता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।